वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। पूरे देश के साथ आज जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा चुनावों के काउंटिंग को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस समय मौजूद है श्रीनगर के SKICC में, जहां पर आप देख सकते हैं लगातार अब लोगों का आना जाना शुरू हुआ है। पोलिंग एजेंट्स लगातार अंदर जा रहे हैं, करीबन 1000 पोलिंग एजेंट्स को आज जो है इस काउंटिंग केंद्र के अंदर एक्सेस दिया गया है। और करीबन जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं, जिनका फैसला आज होने वाला है, जिसमें श्रीनगर में यहां पर SKICC केंद्र में काउंटिंग सेंटर रखा गया है, वहीं बारामूला में भी GDC कॉलेज बारामूला में केंद्र रखा गया है, अनंतनाग में भी एक और, यानी कुल मिलाकर 3 केंद्र कश्मीर घाटी में और जम्मू में 2 काउंटिंग के लिए रखे गए हैं, जहां पर करीबन 2500 सिक्योरिटी पर्सनल जो है इस पूरी प्रक्रिया का सुरक्षा कर रहे हैं। और लगातार तस्वीर में आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच ये काउंटिंग जो है वो किया जा रहा है। और पूरे देश की तरह ही तमाम जो इंतजाम है वो आज के दिन को लेकर किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर के लिए देश के साथ साथ आज का दिन है, क्योंकि काफ़ी समय बाद एक इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, और उसके चलते आज तमाम जो नज़रें हैं वो काउंटिंग सेंटर्स की और टिकी हुई है। और कहीं ना कहीं आज जहां देश में कई चेहरों का जो किस्मत का फैसला होगा, वही जम्मू कश्मीर में भी खासतौर पर किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और भाजपा के नतायज आएंगे वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि श्रीनगर सीट की बात करें तो यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के बीच सीधे मुकाबला देखा जा रहा है, वहीं बारामूला में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि उमर अब्दुल्ला खुद श्रीनगर सीट छोड़कर बारामूला लोकसभा चुनाव लड़ने गए थे, और अब जो है श्रीनगर में भी जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट है आगा रोहला, वो मुकाबला उनका जो है वही दुरामा पर्रा के साथ देखा जा रहा है, जो कि PDP के कैंडिडेट हैं। वहीं अनंतनाग राजौरी की बात करें तो वहां पर भी महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मुकाबला है, क्योंकि ये तमाम इंडिया ब्लॉक की जो पार्टीज़ थी, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP कश्मीर घाटी में एक दूसरे के अपोजिट लड़ती हुई दिखी हैं, जबकि जम्मू में ये अलायंस खासतौर पर में लड़ते हुए दिखे हैं, क्योंकि जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन कश्मीर घाटी के तीनों सीटों पर कांग्रेस ने किया, लेकिन PDP जो है वो अकेले ही आगे मैदान में चुनाव लड़ते हुए दिखी। दूसरी तरफ जम्मू में ये पार्टीज जो है भाजपा के विरोध में एक साथ होकर चुनाव लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी जो सियासी गहमागहमी है वो लगातार कश्मीर घाटी में और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में इतने चुनावी समय में देखने को मिली। और फिलहाल एक बार फिर से दिखाया, मल्टी टायर जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो एस्टैब्लिश किया गया है तमाम काउंटिंग केंद्र के पास, और आप देख सकते हैं लगातार श्रीनगर के SKICC केंद्र में जो लोगों के अंदर जाने की प्रक्रिया है वो करीबन 6 बजे से ही शुरू हुई है, और उसके चलते ही आप देख सकते हैं तमाम सुरक्षाकर्मी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और इस तरफ मुर्तजा थोड़ा आगे आते हुए अगर दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जो सुरक्षा के यहाँ पर जो इंतजाम है वो चाक चौबंद है, और कोशिश ये है कि जो काउंटिंग का प्रोसेस है वो पोलिंग की प्रोसेस की तरह ही फुल प्रूफ जो है निकलते हुए सामने आए। ये तमाम प्रक्रिया जो है मल्टी टायर सिक्योरिटी सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया है काउंटिंग केंद्र के बाहर, और लगातार गाड़ियों को पूरी तरह जो है बाज़ाब्ता चेकिंग करने के बाद ही काउंटिंग केंद्र के अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। और लगातार जम्मू कश्मीर के लोकसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरह की कैंपेनिंग और कैंपेनिंग के साथ साथ लोगों का जो पार्टिसिपेशन है चुनाव में वो बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि करीबन 60% के आसपास जो है मतदान देखने को मिला, उसके चलते काफ़ी जो नज़रें हैं वो जम्मू कश्मीर की और आज पूरे देश की भी है, और देश के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में जो ये काउंटिंग का प्रोसेस है वो यहाँ पर आज करीबन 6 बजे से लोगों का आना शुरू हुआ, और करीबन 8-8:30 के बीच जो है काउंटिंग शुरू होगा। तो कुल मिलाकर फिलहाल ये तस्वीरें हैं श्रीनगर के काउंटिंग केंद्र से। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तजा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, SKICC श्रीनगर। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।